do it. Stop the game! What happened here? What the hell is it? Hello guys, मैं हूँ आपका दोस्त निखिल और आज मैं आपके लिए हॉरर जनर में से एक ऐसी मूवी नो एस्केप मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका एंडिंग सबसे अलग, कम से कम मैंने इस जनर की मूवीज में ऐसी एंडिंग तो देखी नहीं है। मूवी काफी सरल और शॉर्ट है, इसलिए इसके बारे में और बताकर सस्पेंस को स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा। इसलिए चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से। मूवी की शुरुआत ही मूवी के लीडिंग कैरेक्टर कोल के इंट्रोडक्शन से होती है कि कोल एक पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और इंटरनेट सेंसेशन। अब तक कई एडवेंचर्स जैसे स्केरियस्ट प्लेस विजिट करना, जिंदा गाड़े जाना, कल्ट लोकेशन का सीक्रेटली पिक्चर लेना और ऐसे ही कई अनगिनत रियल लाइफ चैलेंज पूरी दुनिया ट्रैवल करके कम्प्लीट कर चुका है, जिसके मदद से आज उसके पास मिलियंस में फैंस है। कुछ इसी तरह एक नए चैलेंज की तलाश और चैनल के 10 साल के एनिवर्सरी पर उसने इस बार व्यूअर्स को मौका दिया उसे कोई चैलेंज देने के लिए, जिसके वोटिंग के रिजल्ट पर अब वो मॉस्को के एक एस्केप रूम चैलेंज के लिए बढ़ रहा है, जिसमें उसके कई साथी डैश, समांथा, गर्लफ्रेंड एरिन और उसका जिगरी दोस्त थॉमस भी ज्वाइन करता है। चैलेंज ऐसा है कि ये पूरा ट्रिप उसके दोस्तों ने प्लान किया है रशियन के एक फेमस हाई प्रोफाइल और प्लेबॉय पर्सन कॉल्ड एलेक्स की मदद से, और क्लो उसके और इस पूरे प्लान के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं जानता। डैश के अनुसार एलेक्स रशिया का मोस्ट वेल्दी और पॉपुलर पर्सन है जिसके पास ऊपर तक कनेक्शन है, जो खुद भी क्लो के चैनल का फैन है। इसलिए उसने अपने कनेक्शन की मदद से क्लो के लिए एक ऐसा एस्केप रूम इन्विटेशन अरेंज किया जहां सिर्फ इन्विटेशन वालों को ही अलाउड है और जिसके नियम्स अन्य एस्केप रूम से बिल्कुल भी अलग है, जिसे खास करके क्लो के लिए चैलेंजिंग कस्टम गेम में तैयार किया गया है। प्लान के अनुसार वो सभी मॉस्को एयरपोर्ट लैंड करते हैं, पर डैश अपने फैंस को लुभाने के चक्कर में एक मुसीबत में फंस जाता है और ऑफिसर्स उसे छोड़ने को तैयार नहीं होते। लकीली एलेक्स अपने कनेक्शन की मदद से उसे छुड़ा लेता है, जिसे देख क्लो भी हैरान हो जाता है, खास करके उसके वेल्दी लाइफस्टाइल से। एलेक्स ने उनके लिए ऐशो आराम का सारा बंदोबस्त किया होता है और उनके रहने सहने का कोई कमी नहीं छोड़ता। उसी नाइट उन्हें एक एक्सक्लूसिव पार्टी भी ले जाता है जहां क्लो और उसके साथी काफी एंजॉय करते हैं, पर तभी कुछ उसके दोस्तों से दुर्व्यवहार करने लगते हैं। वो लोग इतने पावरफुल होते हैं कि एलेक्स खुद भी डर जाता है, पर वो लोग उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ने को तैयार नहीं होते, इसलिए मजबूरी में एलेक्स को गन पॉइंट पर उनसे पीछा छुड़ाना पड़ता है, पर इससे उन्होंने शायद उस डेडली गैंग से पंगा ले लिया होता है क्योंकि वो उन्हें जाते जाते धमकी दे जाते हैं। इस घटना के बाद सभी एकदम से सदमे में चले जाते हैं और तुरंत पार्टी से भी निकल जाते हैं, इसलिए अगले दिन मूड बदलने के लिए एरिन क्लो के साथ घूमने निकल जाती है। थैंक्स टू एलेक्स अगेन, उनका घूमने फिरने से लेकर खाना पीना और खरीदारी भी एलेक्स हैंडल करता है। इसी दौरान रशियन करेंसी उनके पास ना होने पर ड्राइवर उन्हें खुद ही कैश ऑफर करता है, पर उस कैश में कोई एक नोट भी होता है। वहीं अजीब कारण से वो थोड़ा परेशान नजर आ रहा होता है, पर सब नजरअंदाज करते हुए दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब समय है एस्केप रूम खेल का, जिसके लिए सभी इतने दूर से आए हैं। एरिन के क्लो को गुड लक किस देने के बाद एलेक्स उन्हें किसी गुमनाम लोकेशन ले आता है और एंटर करने से पहले आगाह करता है कि चाहे जितना भी उन्हें सब कुछ सच नजर आए, उन्हें याद रखना है कि वो सब सही सलामत है। गेम की शुरुआत से पहले क्लो अपने फैन से एस्केप रूम के बारे में सब शेयर करता है और उन्हें खुद एक सरप्राइजिंग न्यूज मिलती है कि ये पूरा खेल उसके फैंस के साथ लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा ताकि उसके फैंस उसके गेम को रियल एक्सपीरियंस कर सके। खेल शुरुआत करने से पहले एलेक्स उन्हें इस जगह के बारे में जानकारी देता है कि ये जगह कभी प्रिजन हुआ करती थी, जहां देश के दुश्मनों को कैदी बनाकर उन्हें टॉर्चर किया जाता था। सबसे डरावनी बात ये कि आखिरी कैदी आज भी किसी सलाखों में मौजूद है। उसका टास्क होगा अपने दोस्तों को टाइमर खत्म होने से पहले छुड़ाने का, जिसके लिए उसे एक की जरूरत होगी जो उसी कैदी ने कहीं छिपा रखी है, जिसे उसे ढूंढना होगा। ये सुनने पर जाहिर तौर पर सबके रोंटे खड़े हो जाते हैं। ऊपर से मास्क में ये कवर्ड जायंट्स, वो जायंट्स क्लो की आंखें कवर करके उसे किसी अनजान चेंबर में छोड़ देता है। आंखें खोलने पर उसे भयानक झटका लगता है क्योंकि एक भट्टी के करीब किसी की लाश पड़ी होती है और उसके पेट पर अजीब कारण से एक्स मार्क्ड होता है। छानबीन करने पर उसे पता चलता है कि वो किसी सेल में कैद है। पुकार लगाने पर उसे पता चलता है कि उसके दोस्त भी दूसरे सेल्स में किसी अजीब टॉर्चर डिवाइस में कैद हैं। क्लो को रियलाइज होने लगता है कि हालांकि ये सिर्फ एक खेल है, उसे समय खत्म होने से पहले सभी को छुड़ाना होगा गेम को जीतने के लिए। पर आखिर कैसे? नजर घुमाने पर उसे जूते और कपड़ों का ढेर दिखाई देता है, पर तलाश करने पर उसमें कुछ नहीं होता। फिर नजदीक के टेबल पर पड़े स्कैपल्स और अन्य मेडिकल टूल्स को देखने के बाद उसे कुछ कुछ समझ में आने लगता है कि शायद उसे इन टूल्स की मदद से
उसके पेट को फाड़ कर कुछ तो खोज निकालना है। वो काफी इम्प्रेस हो जाता है गेम के रियलनेस और पूरी जगह से, क्योंकि ये किसी भी एस्केप रूम से कहीं ज्यादा भयंकर और एकदम रियल महसूस होता है। इसीलिए अब भी इसे खेल का भाग समझ कर लाश का पेट काटने लगता है और उसके फैन सब उसे ऐसा करते लाइव देख रहे होते हैं। लाश की अंतड़ियां निकालने के बाद फाइनली उसे लीवर से एक चाबी मिलता है, जिसके मदद से वो अपने सेल से निकलने में कामयाब हो जाता है और उसके सेल को खोलते ही कुछ और सेल्स भी खुल जाते हैं। एक सेल में वो एरिन को किसी की के साथ टैंक में कैद पाता है, दूसरे में कुछ वाटर कैंस, तो अगले में सैम किसी इलेक्ट्रिक चेयर पे बंदी होती है। क्लो काफी प्रभावित गेम के रियलनेस से। आगे के सेल में कोई सर्कुलर मेज, तो अगले में डैश और थॉमस अलग अलग टॉर्चर डिवाइस में कैद होते हैं। डैश और थॉमस को भी यकीन नहीं होता कि एक गेम का अनुभव इतना रियल भी हो सकता है, पर जल्दी उन्हें रियलाइज होता है कि उनका ट्रैप धीरे धीरे उनकी जान लेने के लिए बढ़ रहा है, क्योंकि एक तरफ थॉमस के दोनों हाथ धीरे धीरे खींचने लगते हैं तो दूसरे तरफ डैश इंचन इजिप्शियन नोक से भरे द आयरन मेडन बॉक्स में चपट कर मरने वाला होता है। थॉमस क्लो को हिंट देता है कि जैसे ही वो अपने सेल से निकला उनके सामने के दो सेल्स भी खुल गए। क्लो तुरंत फिगर आउट करता है कि उन्हें रिहा करने के लिए उसे गेयर के पजल को कनेक्ट करना होगा, क्योंकि दोनों रूम का गेयर एक ही मैकेनिज्म से कनेक्टेड है। वो बिना टाइम वेस्ट के पजल को सॉल्व करने में लग जाता है। वहीं डैश अब भी मस्ती मजाक में, उसे अब भी लगता है कि ये सब बस एक खेल है। क्लो खुद भी बिना किसी टेंशन के आराम से गेयर्स को कनेक्ट करता है, पर उसे क्या खबर कि जब भी वो कोई गलत गेयर कनेक्ट करता है उसके साथ ही उतना ही मौत के करीब बढ़ने लगते हैं। खास करके थॉमस को जबरदस्त दर्द महसूस होता है जितना ज्यादा उसका हाथ खींच रहा होता है। डैश की भी आंखें गुलाब जामुन की तरह पिचकने ही वाली होती है कि क्लो सही समय पर पजल को सुलझाने में सफल हो जाता है, जिससे अब उस अगले टेस्ट के लिए उस मेज का दरवाजा खुल जाता है। वहीं उनके पास अब सिर्फ आधा घंटा बचा होता है। तीनों फिर भी एकदम रिलैक्स मेज को सुलझाने में लग जाते हैं। टेस्ट के अनुसार उन्हें बॉल को मेज के सेंटर में पहुंचाना होगा बिना बॉर्डर को टच किए, पर बेवकूफ डैश अब भी मजाक के मूड में कई मिस्टेक्स करता है, इस बात से अनजान कि जितना वो मिस्टेक्स कर रहा है उतना ही तेज सैम को इलेक्ट्रिक का झटका लग रहा है। उस बेवकूफ को लगता है कि सैम मजाक कर रही है, इसलिए उसे तंग करने के लिए और भी जानबूझकर मिस्टेक्स करता है। पर थॉमस को रियलाइज होता है कि सैम को सच में असल दर्द हो रहा है, इसलिए परिस्थिति को गंभीरता से लेते हुए कुछ मिस्टेक्स के बाद पजल्स को सुलझाकर सैम को छुड़ाने में सफल हो जाता है। रिहा होने के बाद सैम सदमे में होती है, क्योंकि वो दर्द एकदम रियल था। उसे दाल में कुछ काला लगने लगता है, इसलिए तुरंत गेम को छोड़ने का मांग करती है, पर उनके पुकार का कोई जवाब नहीं देता। क्लोड ऐसे सवाल करता है कि आखिर वो एलेक्स को कब से जानता है, पर वो एक शॉकिंग कन्फेशन शेयर करता है कि वो खुद उसे ठीक से नहीं जानता, उसकी उससे मुलाकात रिसेंटली एस्केप रूम के कारण ही हुई। ये सुनते हुए जाहिर तौर पर उनके पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें रियलाइज होता है कि शायद ये कोई नकली खेल नहीं बल्कि सच में उनके साथ जिंदगी और मौत का असल खेल खेला जा रहा है। एक तरफ वो डिबेट में बिजी होते हैं तो दूसरी तरफ एरिन का टैंक धीरे धीरे पानी से भरने लगता है। उनके पास समय नहीं होता बहस करने का, इसलिए तुरंत वाटर कैन का टेस्ट में लग जाते हैं। लकीली इस पजल का सोल्यूशन थॉमस को अच्छी तरह पता होता है। पजल के अनुसार उन्हें 3 और 5 लीटर के बॉटल को एग्जैक्टली 4 लीटर पानी से भरना होगा। इसीलिए सबसे पहले थॉमस 5 लीटर के बॉटल को पूरी तरह से भरता है और फिर उसका पानी 3 लीटर बॉटल में उमड़ देता है जब तक वो पूरी तरह से भरना जाए। यानी कि अब 3 लीटर बॉटल में 3 लीटर पानी, वहीं 5 लीटर बॉटल में 2 लीटर पानी बच जाता है। नेक्स्ट वो 3 लीटर बॉटल को पूरी तरह से खाली कर देता है और अब 5 लीटर बॉटल में 2 लीटर बचा हुआ पानी फिर से 3 लीटर बॉटल में डाल देता है। यानी कि अब 3 लीटर बॉटल 2 लीटर पानी से भर जाता है। इसका मतलब ये भी कि उसमें अब भी 1 लीटर पानी लेने की क्षमता है, वहीं 5 लीटर बॉटल एकदम खाली। इसीलिए अपने आखिरी अटेम्प्ट में थॉमस 5 लीटर बॉटल को फिर से पूरी तरह से भर देता है और तुरंत उसका पानी 3 लीटर बॉटल में उमड़ देता है जब तक वो भर ना जाए, जिसके मदद से फाइनली थॉमस पजल को सुलझा देता है, क्योंकि अब 5 लीटर बॉटल में एग्जैक्ट 4 लीटर का पानी बच जाता है सिंस उसका 1 लीटर का पानी 3 लीटर बॉटल में चला गया। और फाइनली एरिन के सेल का दरवाजा खुल जाता है, पर उनकी मुसीबत अब भी कम नहीं होती, क्योंकि एरिन अब भी टैंक में कैद पानी तेजी से भर रहा होता है। उन्हें उसे छुड़ाने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आता, ऊपर का डोर भी एकदम जैम होता है। एरिन को तड़पता देख वो एलेक्स से उसके जान की भीख मांगने लगते हैं, पर उन्हें अब भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता। क्लो टैंक को तोड़ने की कोशिश करता है पर वो काफी मजबूत निकलता है। थोड़ा होशियारी से सोचने पर वो किसी ठोस चीज से ऊपर के डोर के लॉक को तोड़ने लगता है और लकीली उसे टैंक से निकालने में सफल हो जाता है, पर शायद तब तक देर हो चुकी होती है क्योंकि एरिन को होश नहीं होता। क्लो अब खुद को कोसने लगता है, ना उसने फैंस को चैलेंज
अरेंज किया होता और ना ही उसके दोस्तों ने उसके लिए एस्केप रूम प्लान किया होता। पर शायद उसने जिंदगी में कोई तो पुण्य का काम किया होगा, क्योंकि कुछ देर बाद एरिन चमत्कार तरीके से झटके में होश में आ जाती है। अब वो यहाँ और नहीं रुक सकते क्योंकि टाइमर खत्म हो गया होता है, इसलिए आजाद होने के इरादे से एरिन के की मदद से मेन डोर का दरवाजा खोलते हैं। पर टू द हॉरर के वो रूम भी क्लोज, उसे देखकर मालूम पड़ता है कि यहाँ जरूर कोई हाथापाई हुई थी। क्यू की दीवार पर उन्हें किसी का खून नजर आता है, वहीं एलेक्स भी मिसिंग होता है। अब सभी की डर के मारे फटने लगती है क्योंकि उनका पासपोर्ट भी एलेक्स के ही पास था, वहीं वो इस पूरे देश में अकेले हैं। किसी तरह एग्जिट डोर को तोड़ने के बाद जब वो बाहर कदम रखते हैं, उनके खड़े खड़े ही होश उड़ जाते हैं, क्योंकि क्लब में जिनके साथ उन्होंने पंगा लिया था उन्होंने उनके साथियों को गन पॉइंट पर बंदी बना लिया होता है। यहाँ तक कि उनका ड्राइवर भी इसमें मिला होता है और देखते ही देखते बिना किसी संकोच के वो एलेक्स की गर्लफ्रेंड को वहीं ढेर कर देता है और उन सभी को भी अगवा कर लेता है। आंखें खुलने पर क्लो खुद को किसी भयानक टॉर्चर रूम में पाता है, जहाँ एक बीस्ट सा उनके बगल में कई खून में लथपथ टॉर्चर डिवाइस रखा होता है। और तभी कोई अननोन अपना परिचय देता है कि वो टॉर्चर रूम का रैकेट चलाता है, जहाँ लोगों को लाइव कैमरा के सामने टॉर्चर करने के लिए उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, खास करके उसके जैसे सेलिब्रिटी और वो भी अमेरिकन के लिए तो और भी। ये जानने पर तो किसी की भी पैंट में ही हो जाए, जो क्लो की भी हालत वैसी ही नजर आती है। वो खुद के और अपने दोस्तों की जान की भीख मांगता है, पर वो नहीं मानता और अभी के लिए उसे किसी सेल में कैद कर देता है। और कुछ देर बाद वही निर्दय उसके टॉर्चर गेम में सैम की एक आंखें ही निकाल लेता है और अंत में उसे गले पर वार करके उसे तड़पने के लिए छोड़ देता है। जाहिर तौर पर क्लो की तबीयत अब और भी पतली हो जाती है। फिर तभी उसकी नजर उसकी हथकड़ी पर पड़ती है, जो जंग के कारण दिखने में काफी कमजोर मालूम पड़ता है, इसलिए कई अटेम्प्ट्स के बाद उसे तोड़ने में सफल हो जाता है और वेंट्स के जरिए दोस्तों की तलाश में निकल पड़ता है। पर कुछ आगे बढ़ने पर उसे एक रूम में डैश कैद नजर आता है, जिस पर वही लोग उस पर टॉर्चर करते हुए निर्दय उसके दोनों हाथ को काट देते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर भी सके उन्हें उसका भनक लग जाता है और अब वो दोनों बीस्ट उसके पीछे लग जाते हैं। क्लो बचते बचाते एग्जिट डोर तक पहुंच जाता है, जिसका डोर का टैग उसे देखा सा महसूस होता है। बाद में उसे रियलाइज होता है कि ये सेम टैग ड्राइवर के दिए नोट पर भी लिखा था और वो नोट इस डोर का कोड साबित होता है। एक और सरप्राइज की वही ड्राइवर उससे बाहर मिलता है, जो मानो काफी समय से उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे बताता है कि वो उसकी मदद करना चाहता था पर नहीं कर सका क्योंकि लोगों की उस पर नजर बनी हुई थी। वो तुरंत उसे कार से भागने की सलाह देता है जब तक वो उन्हें टाले, पर क्लो के गायब होने के शक में वो ड्राइवर को ही धर लेते हैं। और अब क्लो एक बड़ी दुविधा में फंस जाता है कि वो यहाँ से भागकर मदद बुलाए या उसे अपने दोस्तों को बचाने के लिए जाना चाहिए। अंत में क्लो ठहरने का तय करता है और सेम रास्ते से दोस्तों के तलाश में निकल पड़ता है। लकीली एक कैद में उसे थॉमस मिलता है, जो पूरे घटना के बाद सदमे में होता है। क्लो उसकी बेड़ी को खोलने की कोशिश करता है पर वो उसके बेड़ी जैसा आसान नहीं होता। वहीं दोनों बीस्ट उसकी तलाश कर रहे होते हैं। दोनों कुछ देर तक बचने में सफल हो जाते हैं पर आगे एक बीस्ट उन्हें ढूंढ लेता है और उन्हें दबोचने की कोशिश में वो बीस्ट थॉमस के साथ ही लिफ्ट में गिर जाता है, जिससे जाहिर तौर पर थॉमस की वहीं मौत हो जाती है। अब क्लो पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि उसका जिगरी दोस्त भी नहीं रहा और कौन जाने इन निर्दय लोगों ने एरिन के साथ क्या किया होगा। आगे उसे एक और शॉक मिलता है क्योंकि इन सब का मास्टरमाइंड एलेक्स खुद है, जिसे ड्राइवर के गद्दारी का पता चलने पर निर्दय बिना हिचक के उसे वहीं शूट कर देता है। अब वो आगे करे तो क्या। लकीली एरिन अब भी जिंदा होती है, पर इससे पहले कि क्लो उसे भी बचाने की कोशिश करे, वो निर्दय डार्क वेब के लाइव ऑक्शन में एरिन के कान काट निकालता है और देखते ही देखते उसके सामने उसके आखिरी दोस्त की भी जान ले लेता है। क्लो को सोचने तक का मौका नहीं मिलता और वो दोनों बीस्ट अब उसे दबोचने पड़ते हैं, पर एन मौके पर क्लो खुद को रूम में लॉक कर देता है। अब उसके लिए कुछ बचा ही नहीं रहा, इसलिए वेंट के रास्ते एग्जिट की खोज में भाग पड़ता है। पर अंत में किसी डार्क हॉल पहुंचने पर एलेक्स उसे लाइव स्ट्रीम करते हुए जैसे उसका वहां पहले से इंतजार कर रहा था। वो उसे कुछ समझाने की कोशिश करता है पर गुस्से के आग में क्लो उस पर जानलेवा हमला कर देता है और तुरंत बेदर्द में उसकी जान वहीं निकाल देता है। और अब मूवी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्लो का फैंस के लिए वही फुटेज चलने लगता है जहां उसने अपने फैंस से शेयर किया था कि कैसे उसके दोस्त उसके लिए एक सीक्रेट एस्केप रूम चैलेंज प्लान कर रहे हैं। और सभी तरफ लाइट जलने पर अब मूवी का क्लाइमेक्स रिवील होता है। दरअसल शुरुआत से जो भी अब तक हुआ वो सब कुछ एक मजाक था, जो उसके दोस्तों ने कभी ना भूलने वाले शरारत में उसके साथ खेला, जिसका प्रिपरेशन वो काफी महीनों से कर रहे थे। उसके दोस्तों के साथ
साथ सारे रशियन एक्टर्स भी इस फेक गेम में शामिल थे और ये सब उसके फैंस को लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया। और अब हमें पता चलता है कि आखिर क्यों एरिन क्लो को किस करती है, क्योंकि उसे पता था कि आगे उसके साथ प्रैंक खेला जाने वाला है। वहीं एलेक्स क्यू गेम के ठीक पहले ऐसा वार्निंग देता है क्यू क्लो की हथकड़ी इतनी कमजोर थी कम्पेयर टू थॉमस के, ताकि वो प्रैंक के अनुसार आगे बढ़ सके। वहीं सबसे अजीब बात की हाथ में गन होने के बावजूद आखिर कौन इस तरह अटैक करता है, क्योंकि रियलिटी में हमेशा से नीचे कुशन रखा गया था इसलिए वो कभी मरे ही नहीं। इसलिए अगर आप एक और बात गौर करोगे तो हर उन सीन में जब भी वो उसके दोस्त का कोई हिस्सा काट रहा था वो क्लो के विजन के सामने आता था, ताकि क्लो उनका प्रैंक ना पकड़ सके। यही कारण हो सकता है कि एरिन क्लो को घुमाने के लिए अकेले ले गई थी। शायद इस दौरान उसके बाकी दोस्त प्रैंक को सेटअप कर रहे थे, पर बेवकूफ लोगों ने थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाया कि सीरियस मजाक का कुछ न कुछ तो बुरा परिणाम होता ही है, जिसके पीछे एलेक्स की जान चली गई। वहीं इतने सालों की क्लो की मेहनत और सारा बना बनाया फेम मिट्टी में मिल गया, क्योंकि उसके फैंस ने सब कुछ लाइव स्ट्रीम पर देख लिया होता है और मूवी उसके दोस्तों ने कैसे सब कुछ प्लान किया उन फुटेजेस के साथ खत्म हो जाती है। भाई क्या बताओ, मुझे खुद आइडिया नहीं कि डायरेक्टर का आइडिया क्या था इस मूवी को बनाने के पीछे। शायद डायरेक्टर हॉस्टल सीरीज से काफी प्रभावित था, इसलिए हॉस्टल पार्ट 4 बनाने की कोशिश में बुरी तरह से फेल रहा। ऑल्दो एक प्लॉट मूवी में रिवील नहीं किया गया कि आखिर वो लाश सच की थी या नहीं, क्योंकि वो दिखने में तो एकदम रियल थी। ऑल्दो मूवी का एंडिंग थोड़ा अजीब था, पर पूरे मूवी की कहानी थोड़ी वीक थी, इसीलिए इसे IMDB पर इतनी कम रेटिंग है। वरना अगर इन्होंने जरा भी हॉस्टल सीरीज की तरह थोड़ा भी सीरियसनेस दिखाया होता तो शायद इसे थोड़ा और बेटर रेटिंग मिलता। वीडियो एंड करने से पहले दोस्तों प्लीज, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन सच में पसंद आ जाए और आपको सच में मेरी मेहनत काबिले तारीफ लगती है, तो आप इफ पॉसिबल ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या अपलोड पर क्लिक करके गूगल या भीम UPI से पे करके भी सपोर्ट दिखा सकते हो। और वीडियो एंड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक और कमेंट या चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूले, ताकि मेरा चैनल बना रहे और मैं आपके लिए और भी एंटरटेनिंग वीडियो पोस्ट कर सकूं। मैं मिलूंगा अगली बार एक और न्यू इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।